कमान किधर हो, जल्दी इधर आओ। नवाब साहब क्या हुक्म है? ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है? सॉरी सॉरी नवाब साहब, मुलाजमों से आराम से बात किया करो। ये भाई जान इज्जत के काबिल नहीं, की औकात में रखना चाहिए। चश्मा क्यों लगाया हुआ है? सॉरी 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 नवाब साहब। चाय लेकर आओ, एक बिस्कुट मेरे लिए और एक मलिक साहब के लिए। जी नवाब साहब, अभी लेके आता हूँ। यार पैसे भी नहीं है आज। नवाब साहब से लगता है उसके पास पैसे होंगे, है तो कंजूस, देगा तो वो भी नहीं। अल्लाह करे यार कोई अल्लाह ताला हल्ला वसीला बना दे, इससे पैसे लेने हैं। एक बीवी तंग करती रोज़ाना के रोज़ाना सूट, जाता हूँ उसके पास पैसे लेकर आता हूँ। चलो देखते हैं क्या कहता है नवाब साहब। का दोस्त बैठा है, हैं? अब इससे चारदार मांगता हूँ। साहब मैं कह रहा था इधर वाली जमीन बंजर है। हाँ जी, वो बेच करना इस साइड से ले लेते हैं। नहीं यार, ये वाली जमीन सही नहीं है, ये वाली जमीन बेच कर ये जमीन ले लेते। मैं तो कहता हूँ इधर वाली जमीन ले ले। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ना ये वाली जमीन सही नहीं है। अच्छा ठीक हो, बैठ सकता हूँ? मुंशी हो तो मुंशी बन कर रहो, ठीक है ना, अपनी औकात में रहो। ठीक है जनाब, सॉरी सॉरी। काम क्या था बोलो? नवाब साहब कुछ पैसे उधार चाहिए थे। किस लिए चाहिए? जनाब साहब मेरा बेटा बीमार है, बीवी चली गए पीछे मैं के, उसके लिए पैसे चाहिए थे। तनख्वाह पहले भी नहीं आई है अभी, फिर नहीं मांगता आपसे। 4,000 चाहिए थे मुझे। 4,000 रुपया? शक्ल देखिए अपनी 4,000 रुपये वाली। 4,000 रुपये चाहिए, कहाँ से दूँ तुम्हें पैसे? जनाब जेब से दे दो। आगे से जबान चलाता है, शर्म आती है तुम्हें? डरते नहीं हो कि नौकरी से निकाल दूंगा? इधर आओ, बात सुनो। जी जनाब साहब। मलिक साहब ये क्या था? ये क्या कर रहे हो नवाब साहब? नवाब होने का फर्ज भूल गए आप? मैंने पहले भी आपको कहा है आप इनके बारे में नहीं जानते यार। उसको कोई मजबूरी होगी, बात में रखना चाहिए, इज्जत के काबिल नहीं है ये यार। उसको कोई मजबूरी होगी तो पैसा लेने आया। आप दे दो पैसे, मैं क्यों दूँ? अरे मैं तो दे दूंगा, लेकिन वो आपके पास आए। मैं नहीं दे रहा पैसे यार। ना तो पैसा ना करो यार, पैसे मैं नहीं दे, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगा तुम्हें पैसे। मेहरबानी मलिक साहब। नहीं कोई कोई बात नहीं, आपका एहसान नहीं होगी, ये बार नहीं होता। कोई बात नहीं। हमेशा एक बात याद रखें, अपने दफ्तरों में मुलाजिम, आपके घर में काम करने वाले मुलाजिम, हमेशा उनके साथ नरमी से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए और ज़रूरत के वक्त उनकी मदद करें। माना कि पैसा इस दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन मजदूरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।